नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम एनसीईआरटी की सातवीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग दो के नवमः पाठः अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि का हिंदी अनुवाद करेंगे। अहम् अपि अर्थात मैं भी विद्यालयं विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी। अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति प्रतिवेशिनी कौन होता है? पड़ोसी। पड़ोसिन को हम कहते हैं प्रतिवेशिनी। प्रति यानी पड़ोसिन को मालिनी पड़ोसिन को कहती है गिरिजे गिरिजे अर्थात गिरिजा मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मम पुत्रः मेरा पुत्र मातुल गृहं मातुल यानी मामा गृहं यानी घर मामा के घर प्रस्थितः चला गया है। गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। काचित अन्याम अगर किसी अन्य कामपि महिला किसी भी महिला अन्य किसी भी महिला कार्यार्थम काम करने वाली जानासी जानती हो तरही तो प्रेषय भेज दो। यदि तुम किसी अन्य काम करने वाली महिला को जानती हो तो उसे भेज दो। अब जो ये मालिनी है ये अपनी पड़ोसिन गिरिजा को कहती है कि मेरा बेटा तो मामा के घर चला गया है और अब मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो क्या तुम किसी भी काम करने वाली महिला को जानती हो तो उसे मेरे घर भेज दो। तो गिरिजा क्या कहती है? आम सखी हाँ सहेली अद्य प्रातः एव। आद्य का मतलब क्या है? आज। आज प्रातः सुबह एव ही मम मेरी सहायिका यानी नौकरानी आज सुबह ही मेरी नौकरानी स्व अपनी सुतायाह पुत्री अपनी बेटी कृते के लिए कमार्थम पृच्छति स्म काम के लिए पूछ रही थी। हाँ सखी आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः श्वः का अर्थ क्या है? आने वाला कल टुमोरो कल सुबह ही तया सह उनके साथ वार्ताम करिष्यामि बात करूंगी। कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अब गिरिजा कहती है हाँ सखी मैं जानती हूँ जो मेरे घर काम करने वाली नौकरानी है वो अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी, तो कल सुबह जब वो काम करने आएगी तो मैं उससे पूछ लूंगी कि क्या वो तुम्हारे घर काम करेगी। अग्रिमे दिने अगले दिन प्रातः सुबह काले सुबह के समय षट वादने 6 बजे एव ही मालिन्याः गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी आगंतारम यानी किसी आने वाले की कमपि सूचयति की सूचना देती है। कमपि किसी भी आने वाले की सूचना देती है। देखो जब भी कभी भी हमारे घर की डोरबेल बजती है तो हमें क्या पता चलता है कि दरवाजे पर कोई है या कोई आ गया है, तो डोरबेल का काम क्या होता है? ये बताना कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन सुबह के समय जब मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है तब क्या होता है? मालिनी द्वारम उद्घाटयती मालिनी द्वारम यानी दरवाजे को उद्घाटयती खोलती है। पश्यति देखती है यत कि मालिनी दरवाजे को खोलती है और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया गिरिजाया यानी गिरिजा की सेविकया नौकरानी दर्शनया दर्शना के साथ गिरिजा की नौकरानी दर्शना के साथ एका अष्ट वर्ष देशीय एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति बालिका खड़ी है। अब जो गिरिजा है वो मालिनी की पड़ोसन है और गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या है? दर्शना। और दर्शना किसके साथ आई है? एक 8 वर्ष की बालिका के साथ आई है।
तो क्या होता है, अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाजे को खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका या गिरिजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। यानी गिरिजा ने अपनी नौकरानी से बात कर ली है और उसकी नौकरानी अपनी बेटी को लेकर सुबह के 6 बजे ही मालिनी के घर पर पहुंच जाती है। फिर दर्शना कहती है, जो नौकरानी है वो कहती है, दर्शना महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। महोदया भवती आपने कार्यार्थम कार्य के लिए गिरिजा महोदयां गिरिजा महोदया से पृच्छति स्म पूछा था। महोदया क्या आपने गिरिजा महोदया से काम के लिए पूछा था। कृपया मम सुतायै कृपया मम सुतायै मेरी पुत्री को अवसरम प्रदाये अवसर देकर अनुग्रहातुम भवती आप अनुग्रहित करें, यानी आप उस पर अनुकंपा करें, आप हम पर ये मेहरबानी करें। तो वो कहती है, दर्शना महोदया क्या आपने गिरिजा महोदया से कार्य के लिए पूछा था। कृपया मेरी बेटी को ये अवसर दें और हम पर दया करें या हम पर अनुकंपा करें या हमें अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पव्यसका प्रतीयते परम एषा परंतु यह परम एषा परंतु यह तू तो परंतु यह तो अल्पव्यसका छोटी उम्र की प्रतीत हो रही है। ये तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि 8 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। तो वो कहती है, परंतु यह तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा क्या कार्य को कर लेगी। करिष्यति एषा यहां पर इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, करिष्यति एषा एषा यह क्या यह काम कर लेगी। अयम तु अस्याः यह तो अस्याः इसके अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः यह तो इसके अध्ययनस्य पढ़ने के क्रीडनस्य खेलने के च और कालः समय है यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। जब दर्शना ने गिरिजा को बोला कि क्या आप काम के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो कृपा करके मेरी पुत्री को ये अवसर प्रदान करें, तो मालिनी कहती है, परंतु ये तो बहुत छोटी दिखाई देती है, क्या ये सारा काम कर लेगी। तो वो तो फिर मालिनी कहती है, ये तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो इसके पढ़ने और खेलने की उम्र है, ना कि किसी के घर में काम करने की उम्र है। फिर आगे दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। एषा यह एकस्य गृहस्य एक घर का संपूर्णं कार्यं करोति स्म पूरा काम करती थी। यह एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः वह परिवार अधुना अब विदेशं प्रति प्रस्थित विदेश चला गया है। यह एक घर का पूरा काम करती थी और अब वो परिवार विदेश चला गया है। कार्य अभावे काम के अभाव में अहम एतस्य मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेष्यामि कार्य ही ढूंढ रही थी। येन जिससे भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए। अस्मद सदृशानाम और हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाए। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी या काम की तलाश ही कर रही थी जिससे आप जैसे लोगों के घर का काम चल जाए और हम जैसे लोगों के घर के संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। तो दर्शना कहती है कि नहीं नहीं ये छोटी है लेकिन ये तो सारे घर का काम कर लेती है क्योंकि पहले भी ये किसी एक घर में सारा काम करती थी और अब वो परिवार जो है विदेश में चला गया है और काम की कमी की वजह से मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ और जिससे कि अगर मैं काम ढूंढ रही हूँ तो आप जैसे लोग जिनको कि काम कराने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है इससे क्या होता है कि आप जैसे लोगों के घर का काम हो जाता है और हम जैसे लोगों के लिए पैसों की व्यवस्था हो जाती है। दर्शना
यह एक घर के पूरे काम को करती थी। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए ही कार्य की तलाश कर रही थी, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए और हम जैसे लोगों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है, परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम्, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, परंतु यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह तो अनुचित है। किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत शिक्षा की शिक्षा तू तो सर्वेशाम सभी बालकानाम बालकों के लिए, सर्वासाम बालिकानाम सभी बालिकाओं के लिए, च और मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। अब मालिनी क्या कह रही है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप इतने छोटे बच्चे से काम करा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि आजकल बच्चों को पढ़ाना ये तो उनका मौलिक अधिकार है, ये तो उनका सबसे बड़ा अधिकार है कि बच्चे को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम्, परंतु यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना, अब दर्शना क्या कहती है, महोदया अस्मद सदृशानाम तु हम जैसो का तो मौलिकाः अधिकारः, मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्तिर पूर्तिरेव अस्ति। हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदर यानी अपना पेट, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, स्व उदर अपना पेट पूर्ति भरना एव अस्ति, अपने पेट को भरना ही है। हम जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार क्या है, अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाए, इसकी व्यवस्था के लिए ही, एव ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन में पंच षड् गृहाणां कार्यं करोमि। इसके व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतितु, मेरा बीमार पतितु, रुग्णः रोगी या बीमारी या बीमार, मेरा बीमार पतितु किंचित अपि कार्यं न करोति, कोई भी काम नहीं करता है। अतः इसलिए, अब जब माली ने बताया कि शिक्षा तो बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो दर्शना क्या कहती है, महोदया हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल क्या है, अपना पेट भरना, और इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ, क्योंकि जो मेरा पति है वो बीमार है और वो कोई भी काम नहीं करता। दर्शना कहती है, महोदया हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मेरा बीमार पति तो कोई भी काम नहीं करता। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः। इसलिए मैं और मम पुत्री, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवारस्य भरणम पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं यानी परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। अस्मिन इस महाघर्ता काले यानी महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकता नाम यानी मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यानी जीने के लिए जो अनिवार्य है वो क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, कृते का अर्थ क्या होता है, के लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवती, धन पर्याप्त नहीं है। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पैसा पर्याप्त नहीं है। तरही तो
कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय का शुल्क यानी विद्यालय की फीस, गणवेशम वेशभूषा यानी स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तक अन्यादिनी पुस्तक और अन्य चीजें, क्योंकि सिर्फ पुस्तक से तो पढ़ाई नहीं होती, आपको नोटबुक भी चाहिए, पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, तो पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए, क्रेतुम का अर्थ क्या है, खरीदने के लिए, धनम आनेश्यामी धन लाऊंगी। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन नहीं है तो कैसे विद्यालय का शुल्क यूनिफॉर्म पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी। अब वो कहती है कि अब मैं और मेरी पुत्री मिलके तो परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम दोनों नौकरी करते हैं, क्योंकि मेरा पति तो बीमार है, वो कोई काम करता ही नहीं है। और वो कहती है इस महंगाई के ज़माने में हम तो रोटी कपड़ा मकान के लिए ही पैसा इकट्ठा कर लें, यही बहुत है, तो अगर मैं इसे विद्यालय भेजूंगी तो विद्यालय की फीस कहाँ से दूंगी, यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदूंगी, किताबें कहाँ से खरीदूंगी, और जितनी भी पढ़ने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है वो कहाँ से खरीदूंगी, तो हम जैसे लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुश्किल है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो अहम मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है तो कैसे विद्यालय का शुल्क वेशभूषा पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी। तो मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम भवत्याः, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता, अज्ञान का मतलब यानी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ज्ञान नहीं है, अर्थात तुम नहीं जानती हो। अरे अज्ञानम भवत्या, आप अज्ञानी हैं, आप नहीं जानती हैं, किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत कि नवोत्तर द्विसहस्र, नवोत्तर द्विसहस्र का मतलब क्या है, नव उत्तर, नौ ज्यादा है द्विसहस्र यानी 2000 में, नौ ज्यादा है 2000 में, इसका मतलब क्या होता है 2009, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 से तमे वर्षे, 2009 से यानी 2009 वर्ष से सर्वकारेण सरकार के द्वारा, सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां सभी बालिकाओं कृते के लिए शिक्षायाः शिक्षा को मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। अरे तुम अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 से सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की है, यानी जो शिक्षा है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार यानी जो ये मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है उसके अनुसार, षड वर्षेभ्य छः वर्ष से आरभ्य, छः वर्ष से लेकर यानी छः वर्ष से प्रारंभ होकर चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष की आयु तक सर्वे बालः सभी बालक समीपस्थम यानी पास में, मतलब जिसके भी घर के जो भी सबसे पास हो, समीपस्थ सबसे पास सर्वकारीयम विद्यालयम सरकारी विद्यालयम प्राप्य न, सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में, न केवल निःशुल्कम शिक्षा में, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा, अपितु निःशुल्क गणवेशम अपितु निःशुल्क वेशभूषा यानी निःशुल्क यूनिफॉर्म पुस्तकानी पुस्तके पुस्तक स्यूतम पुस्तकों के लिए बस्ता, पादत्राणम जूते, माध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त करता है। तो अब जो ये मौलिक अधिकार जो सरकार ने घोषणा की कि शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये है कि 6 वर्ष से लेकर
14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर के सबसे पास जो सरकारी विद्यालय होगा वहाँ ना केवल वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, फ्री में शिक्षा उन्हें मिलेगी, बल्कि उन्हें फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री पुस्तकें मिल फ्री बुक्स मिलेंगी, फ्री स्कूल बैग मिलेगा, फ्री शूज़ मिलेंगे, फ्री जो है वो दोपहर का भोजन मिलेगा। इवन जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे और उन सबको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप। इवन सब बच्चों को एक कॉमन स्कॉलरशिप भी मिलती है और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए और ज़्यादा स्कॉलरशिप और ज़्यादा उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मालिनी उस नौकरानी को ये बताती है कि अब शिक्षा के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये सरकारी विद्यालय से सब कुछ निःशुल्क प्राप्त कर सकती है, फ्री में प्राप्त कर सकती है। तो मालिनी क्या कहती है, अरे अज्ञानम भवत्याम, तुम अज्ञान हो, तुम्हें नहीं पता। किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 वर्ष से सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को शिक्षा मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक पास के सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं अपितु निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तकें, पुस्तकों को रखने के लिए बस्ता, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त करते हैं। दर्शना कहती है, अप्येवम्, ऐसा है, क्या ऐसा है? आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। अब दर्शना को जब ये सब पता चला तो वो कहती है क्या ऐसा है, तो आश्चर्य के साथ और मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है, आम, हाँ, वस्तुतः एमवेव, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है, कृतार्थताम प्रकटयंती, अब दर्शना जो है वो कृतार्थताम प्रकटयंती यानी उनकी कृतज्ञता को प्रकट करती है, यानी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो कृतज्ञता प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि महोदये, महोदया मैं तो अनुगृहीत हुई, मैं तो मतलब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एदत बोधनाय, यह बताने के लिए, मतलब मैं महोदया आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये सब बताया। अनुग्रहीत का मतलब हम ये भी ले सकते हैं, अनुग्रहीता अस्मि, यानी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एदत बोधनाय, यानी इन सब के बारे में बताने के लिए। दर्शना कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ महोदया, ये सब जो आपने मुझे बताया। अहम अद्य वासयाः, मैं आज ही, प्रवेशम समीपस्ते विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही, अद्य एव अस्याः, अद्य आज एव ही अस्याः, इसका इसका किसका, दर्शना अपनी पुत्री का, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे पास में स्थित विद्यालय करिष्यामि, विद्यालय में कराऊंगी, मैं आज ही इसका जो एडमिशन है वो पास में स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, अब जब दर्शना की पुत्री ये सुनती है तो क्या करती है, दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, खुश होकर, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, यह कहकर, करतल वादन सहितम, करतल वादन यानी तालियों की आवाज के साथ, ताली बजाती हुई, तालियों की आवाज के साथ नृत्यती, नाचती है मालिनी प्रतीच, और मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है यानी कृतज्ञता प्रकट करती है। यह कहकर ताली बजाती हुई नाचती है और मालिनी के प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट करती है यानी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब दर्शना क्या कहती है, क्या ऐसा है, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतज्ञता प्रकट करती हुई, मैं महोदया, मैं आपकी आभारी हूँ यह सब बताने के लिए, मैं आज ही इसका पास में स्थित किसी विद्यालय में इसका आज प्रवेश करवाऊंगी। दर्शना
कि पुत्री उल्लास के साथ मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, यह कहकर ताली बजाती हुई नृत्य करती है और मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि शिक्षा जो है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। अगर आपके घर के आसपास आपको ऐसे कोई छोटे बच्चे दिखें जो शिक्षा के अलावा जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं और घरों में काम कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों के माता पिता को प्रेरित कर सकते हैं कि वह अपने घर के आसपास के किसी भी सरकारी विद्यालय में उन्हें मुफ्त शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस पाठ के माध्यम से ये पता चलता है कि शिक्षा जो है वो सबका मौलिक अधिकार है और हम सबको शिक्षा जो है वो दिल से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज की नींव को खड़ा करता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया और अगले वीडियो में मैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगी।